प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबीन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने BCOM तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय के पेपर व्यवसायिक बजटिंग बिजनेस बजटिंग का अध्ययन आरम्भ किया था। इसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने पूंजी की लागत का अध्ययन आरंभ किया और आज हम किस प्रकार पूंजी के विभिन्न साधनों की लागत ज्ञात करते हैं हम उसका अध्ययन करेंगे। और विद्यार्थी, एक संस्था विभिन्न साधनों जैसे ऋण, अधिमान अंश यानी प्रिफरेंस शेयर्स, समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स, प्रतिधारित अर्जने आदि से पूंजी एकत्रित कर सकती है। ये सभी साधन पूंजी के घटक या अवयव कहलाते हैं। संस्था के लिए इन विभिन्न साधनों की लागत भिन्न भिन्न होती है, जिसकी गणना किस प्रकार की जाती है आज हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऋण पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। तो विद्यार्थियों, ऋण पूंजी का तात्पर्य सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण पूंजी से होता है, जिसके अंतर्गत ऋण पत्रों, बॉन्डों तथा दीर्घकालीन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। सामान्यतः ऋण पूंजी पर देय ब्याज की दर ही इसकी लागत होती है, लेकिन इसकी सही गणना के लिए देय ब्याज की राशि का संबंध ऋण पूंजी के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि नेट प्रॉफिट से स्थापित किया जाना चाहिए। प्राय ऋण पूंजी के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि की प्राय ऋण पूंजी से ऋण पूंजी के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि ऋण की राशि से कम ही होती है। प्राय ऋण पूंजी के निर्गमन से प्राप्त शुद्ध राशि ऋण की राशि से कम ही होती है, क्योंकि ऋण पूंजी के निर्गमन के समय सामान्यतः कंपनी को अभिगोपन कमीशन, दलाली, छपाई व्यय तथा निर्गमन के अन्य खर्चों के रूप में व्यय करना पड़ता है। इसके अलावा ऋण पत्रों को बट्टे पर भी निर्गमित किया जा सकता है। ऋण से प्राप्त शुद्ध राशि की गणना हेतु इन सभी मदों को ऋण के मूल्य में से घटाया जाता है। यदि ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है तो प्रीमियम की राशि को जोड़ा जाता है। तो विद्यार्थी, सबसे पहले हम देखेंगे कि सूत्र क्या होता है जिससे हम ऋण पूंजी की लागत निकालते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, हम इस सूत्र को देखेंगे। तो यदि ऋण पत्र अशोधनीय है, यानी जो हम सूत्र लिखने जा रहे हैं वो कब लागू होगा? वो विद्यार्थियों तब लागू होगा जब ऋण पत्र हमारे अशोधनीय है या यानी इरिडीमेबल है, या उनकी परिपक्वता की अवधि तथा शोधन पर देय राशि की सूचना प्रश्न में नहीं दे रखी है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये फॉर्मूला है सीडी यानी इसका चिन्ह हो गया कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल का, और इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई एनपी इंटू 100। और याद रखिए विद्यार्थियों, ये बिफोर टैक्स कॉस्ट है, बिफोर टैक्स कर पूर्व। तो विद्यार्थियों, यहां पर आर का अर्थ है वार्षिक ब्याज, एनपी का अर्थ है नेट प्रोसीड्स यानी प्राप्त शुद्ध राशि, नेट प्रोसीड्स। विद्यार्थी, सबसे पहले यहां पर प्रश्न आता है
कि हम एनपी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एनपी निकालने के लिए जो फेस वैल्यू दे रखी है किसी ऋण पत्र की यानी डिबेंचर की, फेस वैल्यू माइनस में माइनस करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन, अभी गोपन कमीशन, माइनस ब्रोकरेज, माइनस प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, तो विद्यार्थी इस पर हम या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अदर एक्सपेंसेस, इसमें सारे अदर एक्सपेंसेस शामिल हो गए, यानी फेस वैल्यू में से हम अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंसेस इन सब को घटा देंगे और डिस्काउंट यदि कोई होगा तो उसको भी हम घटा देंगे, यानी जो डिस्काउंट होगा उसको भी हम घटा देंगे और यहां पे जो प्रीमियम होगा उसको जोड़ दें। तो विद्यार्थी इस सूत्र को ध्यान से याद रखिए, सीडी यानी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल का चिन्ह इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एनपी इनटू 100, और यहां आर का अर्थ क्या है, वार्षिक ब्याज यानी एनुअल इंटरेस्ट, और एनपी का क्या अर्थ है, प्राप्त शुद्ध राशि यानी नेट प्रोसीड्स। ये कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू जो डिबेंचर की होगी उसमें से अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, अदर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ये माइनस कर देंगे और प्रीमियम होगा तो उसको प्लस कर देंगे। इस प्रकार से हम एनपी निकालेंगे और आर हम निकालेंगे एनुअल इंटरेस्ट जो हमारी इंटरेस्ट की रेट दी होगी। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले से हम कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स यानी कर पूर्व निकाल देंगे। विद्यार्थी यहां पर टैक्स को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि क्योंकि विद्यार्थियों ऋण पूंजी पर जो ब्याज होता है वो आयकर अधिनियम के अनुसार स्वीकार्य व्यय है और स्वीकार्य व्यय होने के कारण कर योग्य आय की गणना करते समय घटा दिया जाता है, इसलिए इससे कंपनी द्वारा देय कर की राशि में कमी हो जाती है, परिणाम स्वरूप ऋण पूंजी की वास्तविक लागत कम हो जाती है। अब कंपनी के लिए ऋण पूंजी की जो वास्तविक लागत है वो अब कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कंपनी को कर में भी छूट मिल गई, इसके कारण कर की जो कंपनी क्योंकि कंपनी की जो कर की राशि है वो भी ब्याज के कारण कम हो गई और इसलिए जो कंपनी की ऋण पूंजी की लागत है वास्तविक लागत है वो कम हो जाएगी। इसलिए ऋण पूंजी की कर पश्चात लागत की गणना करने के लिए हम निम्न सूत्र अपनाते हैं। सीडी सीडी इज इक्वल टू वही फॉर्मूला आर बटा एनपी इंटू 100, लेकिन यहां पे 1 माइनस टैक्स रेट से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आफ्टर टैक्स After tax cost of debt capital, यहां टी का अर्थ है निगम की कर दर corporate tax rate, निगम कर की दर, निगम कर की दर है यहां पर टी का अर्थ। तो विद्यार्थी हम एक प्रश्न को करके देखेंगे
विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि ए लिमिटेड 100 रुपए वाले हजार ऋण पत्र निर्गमित करना चाहती है निर्गमन व्यय निम्न प्रकार है, सबसे पहले अभिगोपन कमीशन, वो कितना है 2%। दूसरा दलाली यानी ब्रोकरेज 0.5%। तीसरा छपाई एवं अन्य व्यय 10,000 रुपए। हमें प्रश्न को तीनों स्थितियों में हल करना है। यदि कंपनी ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित करती है, यदि बट्टे पर निर्गमित करती है, और तीसरा यदि प्रीमियम पर निर्गमित करती है। यहां यह भी लिखा हुआ है कि निगम कर की दर 50% है। तो विद्यार्थी ध्यान से देखिए, ए लिमिटेड 100 रुपए वाली 1,000 ऋण पत्र निर्गमित करना चाहती है। इन ऋण पत्रों पर ब्याज की दर 10% है, अभिगोपन कमीशन 2% है, दलाली 0.5% है, और छपाई एवं अन्य व्यय 10,000 रुपए आए हैं, और निगम कर की दर 50% है। तीनों स्थितियों में प्रश्न को हल करना है। यदि कंपनी ऋण पत्रों को सममूल्य पर जारी करती है या बट्टे पर या प्रीमियम पर, तो आइए विद्यार्थियों तीनों स्थितियों में प्रश्न को करके देखते हैं। पहले सममूल्य पर देखते हैं। यानी एट पार, अब यदि कंपनी एट पार जारी करती है सममूल्य, सबसे पहले हम एनपी निकालेंगे। एनपी कैसे निकलेगा? एक डिबेंचर का मूल्य कितना? 100 रुपए। 100 रुपए फेस वैल्यू हो गई। फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए। इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे विद्यार्थियों? अंडर राइटिंग कमीशन, ये तो 2% है, तो 100 का 2% निकालेंगे। यानी 2 रुपए माइनस करेंगे ब्रोकरेज, पचास पैसे, और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस
ये है कितने विद्यार्थी हैं, कुल मिला के 10,000 है। 10,000 में से हम 10,000 का भाग करेंगे कुल ऋण पत्रों में, वो कितने हैं 1,000। तो इसका मतलब एक ऋण पत्र पर कितने प्रिंटिंग एक्सपेंसेस आए, ₹10। इसलिए विद्यार्थी प्रिंटिंग अंदर एक्सपेंसेस ₹10 हो गए, कुल मिला के ₹12.5 हम घटा देंगे तो कुल मिला के आएगा ₹87.50 हमारा नेट प्रोसीड्स। और हम फॉर्मूला लगाएंगे R डिवाइडेड बाय NP इनटू 100, तो यहाँ पे ये आ जाएगा R हमारा कितना है 10% है, 10% यानी 100 का 10% बराबर ₹10। इसका मतलब R क्या है ₹10, यानी 10 डिवाइडेड बाय ₹87.50 इनटू 100, तो हमारी ऋण पूंजी की लागत आ गई 11.429%। लेकिन ये बिफोर टैक्स, इसको आफ्टर टैक्स बनाने के लिए इसको हम ये हमारी आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल है, इसको आफ्टर टैक्स बनाने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 11.429 और 1 माइनस 0.5 जो हमारी टैक्स 50% है, इसलिए 1 माइनस 0.5, तो हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 5.714%। तो विद्यार्थियों आपने देखा किस प्रकार से R डिवाइडेड बाय NP किया, तो ₹10 डिवाइडेड बाय ₹87.50 इंटू 100 यानी 11.429%, ये आ गई हमारी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसको हमने 1 माइनस टैक्स रेट यानी 1 माइनस 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल ये आ गई 5.714%, अगर सम मूल्य पर ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। अब हम इसको बट्टे पर देखेंगे, तो सबसे पहले विद्यार्थियों क्या निकालेंगे, एनपी निकालेंगे और फेस वैल्यू में से, फेस वैल्यू कितनी है हमारी ₹100, उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले अंडरराइटिंग कमीशन, कितना ₹2 की 2% है, ब्रोकरेज कितना 0.5, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस कितना ₹10, कैसे निकाला 10,000 का 1,000 में भाग करके, कुल डिबेंचर्स कितने हैं 1,000, कुल लागत प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस पे कितनी आई 10,000, 10,000 का 1,000 से भाग किया तो ₹10। लेकिन यहां पे एक चीज और घटाएंगे और वो है डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना दे रही है कंपनी, यहां लिखा हुआ है कि कंपनी
यदि डिस्काउंट में जारी करेगी तो वो 10% में करेगी। ये प्रश्न में एक चीज रह गई थी कि अगर कंपनी प्रश्न को सममूल्य बट्टा और प्रीमियम तीनों पे हल करना था, और सममूल्य पे तो सममूल्य, यदि बट्टे पे बट्टा कितना है, बट्टे की दर प्रश्न में दे रखी वो है 10%, तो बट्टा 10% तो माइनस डिस्काउंट एट द रेट 10%। 10% किसका, 100 रुपए का, यानी 10 रुपए कितना हो गया 22 रुपए 50 पैसे, तो घटा दिए तो कितना आया 77 रुपए 50 पैसे। ये हमारा एनपी आ गया, हमारा आर तो आया है वही 10 रुपए, इसलिए आर डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100 10 / 77 रुपए 50 पैसे इंटू 100 बिफोर टैक्स कॉस्ट हमारी आ गई कितनी आई 12.903% बिफोर टैक्स। ध्यान से देखिए विद्यार्थी, यहां पे सबसे पहले हमने एनपी निकाली, फेस वैल्यू 100 थी, उसमें से हमने अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस और डिस्काउंट खुद को माइनस किया, कुल मिला के 22.5 रुपए घटा दिए, तो 77 रुपए 50 पैसे हमारा एनपी आ गया। आर डिवाइडेड बाय एनपी किया तो 12.903% ये हमारी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आ गई। अब इसको आफ्टर टैक्स करने के लिए After tax, cost of debt capital निकालने के लिए सबसे पहले हम before tax को वन माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए 12.903% को हमने वन माइनस टैक्स रेट यानी 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6.452%। देखिए विद्यार्थी, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल हमने कैसे निकाली, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल को वन माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया तो 12.903% को हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 1 - 0.5 क्योंकि टैक्स रेट 50% है तो आया 6.452%। अगर कंपनी 10% बट्टे यानी डिस्काउंट पर डिबेंचर्स इशू करती है, निर्गमित करती है, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आएगी वो 6.452% है। अब हम प्रीमियम पर देखते हैं, तो विद्यार्थी सबसे पहले प्रीमियम की दर प्रश्न में दे रखी है और वो भी 10% है, तो सबसे पहले एनपी निकालते हैं, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, क्या क्या घटाएंगे, सबसे पहले तो यहां विद्यार्थियों हम प्रीमियम को जोड़ देंगे क्योंकि वो भी हमें प्राप्त होगा, यानी 10 रुपए में जोड़ेंगे, कुल मिला के 110 रुपए आ गए। अब माइनस करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन कितना 2 रुपए, ब्रोकरेज 0.5 50 पैसे और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 10 रुपए, तो कुल मिला के हमने कितने रुपए माइनस कर दिए 12.5 रुपए हमने माइनस कर दिए,
इसलिए 110 में 12.5 गए तो हमारा एमपी कितना आया 97.50 रुपए और हमारा आर 10 रुपए है, इसलिए आर डिवाइडेड बाय एमपी इनटू 100 करेंगे तो आएगा 10 रुपए डिवाइडेड बाय 97.50 रुपए इनटू 100 और हमारी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल यहाँ पे बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल यहाँ पे आ गई 10.256% तो विद्यार्थियों यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स 10.256% आ गई। अब हमें ये बिफोर टैक्स है तो विद्यार्थी ध्यान से देखिए, सबसे पहले एनपी निकाला, फेस वैल्यू 100 रुपए थी, प्रीमियम जोड़ दिया 10 रुपए, 110 हो गया, माइनस अंडरराइटिंग कमीशन किया 2 रुपए, ब्रोकरेज 50 पैसे, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 10 रुपए, कुल मिलाकर 12.5 रुपए घटा दिए तो 97.50 रुपए हमारा एनपी आ गया। उसके बाद आर डिवाइडेड बाय एनपी किया 10 रुपए डिवाइडेड बाय 97.50 रुपए तो 10.256% यानी 10.256% बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आ गई। अगर हम डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं 10% प्रीमियम पर, अब विद्यार्थी देखेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल क्या है। आफ्टर टैक्स करने के लिए सबसे पहले हम बिफोर टैक्स को कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल को वन माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 10.256% को 1 माइनस 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये आ गई 5.128। ध्यान से देखिए विद्यार्थी, बिफोर टैक्स को हमने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल में कैसे कन्वर्ट किया, 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया तो 10.256% को 1 माइनस 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो यह 5.128% आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने एक प्रैक्टिकल प्रश्न करके देखा, जब ऋण पत्र अशोधनीय हो अथवा प्रश्न परिपक्वता अवधि के बारे में कोई जानकारी ना दे रखी हो तथा शोधन पर देय राशि की सूचना नहीं दी, यानी जब या तो ऋण पत्र अशोधनीय हो या फिर प्रश्न में उनकी जो ऋण पत्रों की परिपक्वता अवधि है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है और शोधन पर देय राशि की सूचना भी नहीं दे रखी, तब हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, आर डिवाइडेड बाई एनपी इंटू 100 जब ऋण पत्र अशोधनीय या उनकी परिपक्वता अवधि तथा शोधन पर देय राशि की सूचना नहीं दी हुई हो। तो आज के लेक्चर में विद्यार्थी हमने एक कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल का प्रैक्टिकल प्रश्न करके देखा, इसका आगे का अध्ययन हम आगे की लेक्चर्स में करेंगे। आज की लेक्चर इतना ही, बहुत बहुत।